दिल्ली नगर निगम के मेयर और उप मेयर के लिए चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर सफलता मिली है। मेयर चुनाव से भाजपा प्रत्याशी शिखा राय के नाम वापस लेने के बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओब्रॉय फिर दिल्ली नगर निगम की मेयर निर्वाचित हुई हैं। हिंदी खबर ने दिल्ली नगर निगम की मेयर शैली ओब्रॉय से बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए। बात कर लेना चाहेंगे दिल्ली की नव निर्वाचित मेयर शैली ओब्रॉय हमारे साथ है। शैली, दूसरी बार आप मेयर बनी हैं एमसीडी का एकीकरण होने के बाद, कैसे देखती हैं और क्या वजह लग रही है कि शिखा राय ने अपना नाम वापस लिया उस वक्त जब मतदान शुरू होने वाला था? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझ पर अपना भरोसा जताया और साथ ही उन्हीं की बदौलत और दिल्ली की जनता की बदौलत आज दोबारा से मुझे इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिला। और कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी ने जो आज अपने नामांकन वापस लिए, उससे साफ साफ दिख गया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने आज आम आदमी पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया। उनको मालूम था उनके पास नंबर्स नहीं हैं, उनके पास आंकड़े नहीं हैं। एक बार वो पहले हार चुके हैं मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव, अब दूसरी बार अगर वो हार जाते तो शायद वो उस हार को स्वीकारना उनके लिए इतना आसान ना होता, तो इसीलिए आज उन्होंने अपने नाम वापस। लेकिन बीजेपी सांसद जो है हर्षवर्धन, उन्होंने कहा हमारे संस्कार हैं कि हमारे पास आंकड़ा नहीं था तो हमारे संस्कार है, हमने नाम वापस लिया। वो संस्कार की बात कर रहे हैं जी। देखिए, कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो स्टेटमेंट देंगे मीडिया के आगे, बट उनको भी मालूम था। देखिए, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, उनको मालूम था कि आज दोबारा से हम लोग हारने वाले हैं, तो उस हार को स्वीकार करना उनके लिए शायद बहुत मुश्किल था, तो इसीलिए आज उन्होंने उसको इजीली तरीके से आज सदन में आम आदमी पार्टी के आगे अपने नामांकन वापस लेके अब खुद को सरेंडर कर। लेकिन शिखा राय का कहना है कि जब तक स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होता है तब तक मेयर और डिप्टी मेयर का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, इसलिए मैंने अपने नाम को वापस। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर स्टैंडिंग कमेटी, ऑल दो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है नगर निगम में, और अभी आपको और हमको सबको मालूम है कि उसका जो केस है हमारा कोर्ट में चल रहा है और आने वाली 3 मई को उसके कोर्ट निर्देश देने वाला है, और हम भी चाहेंगे जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी बने ताकि पूर्ण रूप से जो नगर निगम के काम हो सके हम फुल ऑन मोड में कर सकें। और रही बात कि मेयर का पावर नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इन एंटिसिपेशन मेयर के पास काफ़ी पावर्स होती हैं। एक अंतिम सवाल, पिछली बार जब आप मेयर बनी समय बहुत कम था, इस बार आप मेयर बनी हैं, पूरा 1 साल का समय आपके पास है, कौन से ऐसे काम हैं जो सबसे पहले करने हैं? और एक और भी चुनौती थी क्योंकि 30 तारीख को मेगा पीटीएम में शिक्षा मंत्री अतिशी ने कहा था कि एमसीडी के स्कूलों में भी होगा, आप मेयर बन चुकी हैं, उस चीज़ को कैसे देखती हैं? जी देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक जॉइंट मेगा पीटीएम का अनाउंसमेंट किया था जो आने वाली 30 अप्रैल को जितने भी दिल्ली सरकार के स्कूल हैं साथ ही नगर निगम के स्कूल हैं उसमें हम जॉइंट तरीके से एक मेगा पीटीएम का ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और नो डाउट इस मेगा पीटीएम से काफ़ी जो बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आता है, जब टीचर्स और जो पेरेंट्स के अंदर जो गैप है, जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो फिल होता है, 1-to-1 जो पेरेंट्स और टीचर्स हैं मिलकर बच्चे के ऊपर चर्चा कर सकते हैं कि उसका स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं, बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं, थ्रेट्स क्या हैं, बच्चे को डर किस चीज़ से लगता है, बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है, तो इन सब पर जो मेगा पीटीएम का बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो एक चाइल्ड डेवलपमेंट में भी काफ़ी काम करता है और आने वाला जो रिजल्ट होता है उस पर भी बहुत काम करता है। हिंदी खबर की पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं दिल्ली की मेयर बनने। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय से, इनका साफ तौर पर कहना है कि चुनौती नहीं है, काम करेंगे, जनता के भरोसे पर उतरेंगे, मेगा पीटीएम के माध्यम से बच्चों का भी और अभिभावकों को लेकर भी कई चीजें होंगी, लेकिन बीजेपी के पास आंकड़ा नहीं था, बहुमत नहीं था, इसलिए वो केजरीवाल सरकार के आगे झुक गई और अपना नाम वापस ले ली। वीडियो जर्नलिस्ट निशान के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।